हेलो गाइस, तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल में। तो गाइस, आज हम आए हैं रेंट और शूज़ के होलसेल आउटलेट पे। तो यहाँ के जो ओनर है वो धीरज वरियानी जी हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे, उनकी लाइफ की स्टोरी, उन्होंने कैसे काम शुरुआत किया, उनकी सक्सेस, आज हम इन सब के बारे में देखेंगे। तो धीरज जी, तो आप बताइए, आपने कब शुरुआत करी अपने साथ काम? मैंने इस काम की शुरुआत की है 8 जुलाई 2021 में जी। तो आप अभी इस यहाँ पे इस काबिल पहुँच गए एक साल के अंदर, तो आपको कैसा फील हो रहा है? यार, एक चीज़ है, लाइफ में काबिल हो गए हैं, पहुँच गए हैं, ये तो बात का है। पहले पहुँचेंगे तो तब जब पहुँचना होगा। अभी सफ़र कहाँ किसका ख़त्म होता है? कभी किसी का सफ़र ख़त्म हुआ है लाइफ में? नहीं। तो सर, आपने अभी काफ़ी सारे अचीवमेंट गोल प्राप्त कर लिए हैं, तो आपको अच्छा तो लग रहा होगा ना? नहीं, एक्चुअल में क्या है, मैं क्या है कि कुछ कभी रुकता नहीं हूँ। मेरे को क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे आदत लगी रहती है, मेरे को कुछ करना है, ये है ऐसे, यानी कुछ ना कुछ मैं मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे ऐसे वैसे। तो अब आगे बढ़ाने वाला तो परमात्मा है, उससे ज़्यादा कौन जानता है। कर्म तो हमने करने हैं, लेकिन बढ़ाने वाला वो है, वो कैसे कर रहा है उसको पता होता है। सर, आपके आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग ये है, बस वेंटोस के जूते पहनाने, सभी को जूते पहनो, यूज़ करो, फिर फेंको, फिर पहनो। अच्छा, तो जैसे कि मैं कुछ सेलर्स आए आपके पास, तो आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? यार, सपोर्ट तो मैं नहीं कर पाऊँगा, सपोर्ट करना अलग होता है, लेकिन हेल्प करना होता है। ये है कि उनको किसी तरीके से अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, अगर न्यू सेलर हैं, तो मैं उनको अपने तरीके से गाइड करूंगा, जैसे जितनी मेरी नॉलेज है। अदरवाइज बाकी तो अगर कोई पुराना करने वाला है तो उसको तो उसकी जानकारी होगी क्या है। मैं उसको प्रोडक्ट की जानकारी दे सकता हूं, उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकता हूं, उसको रेट से वाकिफ कर सकता हूं। बाकी अगर उसका ज़्यादा ध्यान बनता है कि वो कैसे काम करना चाह रहा है, उसका एक्सपीरियंस उसके साथ है, मेरा मेरे साथ है। अब तक आपके पास कितनी वैरायटीज़ आ चुकी हैं शूज़ की? मैंने करीबन 30-35 वैरायटी कलर सब मैंने उसको करके रखा हुआ है। तो मैं चाहे कि ऑनलाइन पे भी सेल करता हूँ, होलसेल भी करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान ये रहता है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट पहुँचे उसके रेट के अकॉर्डिंग उसको मज़ा आए, उसको लगे कि मैंने कोई यूज़ प्रोडक्ट कर रहा हूँ, उसको ऐसा ना लगे कि ये मैं क्या आ गया है। जैसा कि आजकल ऑनलाइन पे भी होता है, दिखता कुछ है, आता कुछ है, मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को कस्टमर समझ के देखता हूँ कि मेरी जेब में से पैसा जा रहा है, तो मेरे को मेरा पैसा खर्च होगा, तो मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो मतलब आपने केवल अभी इन्हीं वैरायटी से आपने अपना मेंटेन कर रखा है पूरा? मैं एक्चुअल में ज़्यादा कॉपी पे ध्यान नहीं देता हूँ कि ये आया इसको लगा, ऐसा नहीं। मैं अपनी तरफ से खुद डिज़ाइन करवा के, अपने हिसाब से सेट करवा के, अपने प्रोडक्ट को खुद ही रेडी करवाता हूँ। मेरे जो कारीगर हैं उनसे प्रोडक्ट रेडी होते हैं। कोई कारीगर कुछ बनाना जानता है, कोई स्लीपर जानता है, कोई बूट जानता है, कोई लेदर जानता है, तो ऐसे करके कलेक्शन इकट्ठा करके फिर मैं उसको लिस्टिंग करके उसी प्रोडक्ट को मैं होलसेल, उसी को ऑनलाइन भी सेल करता हूँ। अगर ऑनलाइन में B2C में जैसे कस्टमर के पास हमारा जाता है वो भी देते हैं, अगर होलसेल में कोई टच करता है तो उसको भी हम प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से ही चलते हैं, कस्टमर के हिसाब से नहीं चलते हैं। वो बोलते हैं हमें सस्ता चाहिए, सस्ते भी हम नहीं फॉलो करते। हम बोलते हैं ये क्वालिटी है, ये ब्रांड है, ये कम, इसको आप फॉलो करो तो ठीक है। अगर आप बोलो कि मेरे को सस्ता चाहिए तो उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। होलसेल में आपका कहाँ का माल जाता है? अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग मैंने गुजरात से की है, अभी मेरा गुजरात गया है और एक दो जगह महाराष्ट्र में गया है, लेकिन वो रिटेल में गया है। बाकी गुजरात में मेरा होलसेल में 2-1 पार्टियों में माल गया है। अभी दिवाली बाद फिर अभी आगे का प्रोग्राम है। तो अभी आप मतलब अभी आपका क्या चल रही पोजीशन है? करते करो, चलो, चलते रहो, थको मत, जो करना है करो, जूता बेचना है, कुछ भी बेचना है करो, अपनी लाइफ में कुछ करते रहो, और जो करेगा वही पाएगा। कन्फ्यूज़न मत पैदा करो, ना कन्फ्यूज हो ना कन्फ्यूज़न पैदा करो, जो करना करो, अपने मन की सुनो। मैं अपने मन की सुनता हूँ हमेशा। बहुत अच्छा लगा धीरज जी आपसे मिलके। तो आगे फिर मुलाकात होगी आपसे।